तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अमेरिका जा रहे हैं ना? मैंने अभी पोस्टर में देखा। आप? मैं किरण मासेकर। नहीं मतलब आप है कौन? आपका कस्टमर। ओ अच्छा, आपने दुकान से कुछ लिया नहीं? हाँ लिया और खा भी लिया। खा लिया? हाँ, आप अमेरिका जा रहे, इस खुशी में आपका स्टाफ पेड़े बांट रहा है, तो वही बोल रहा था मैं, पेड़ा लिया और खा लिया। ओ अच्छा, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नटू काका, भागा या क्या किया आप लोगों ने? क्या? अरे बाहर ये पोस्टर लगाने की क्या जरूरत थी? चमका है किस्मत का शिकारा। शिकारा नहीं सेठ जी, आप शिकारा और सिक्का दोनों मिक्स कर रहे हैं। बाहर लिखा है चमका है किस्मत का सिक्का, सेठ जी अपने चले अमरीका। अरे वो जो भी है वो क्यों लिखवाया, क्यों बाहर पोस्टर लगाया? क्यों ना लगाए भला, वो ट्रॉमा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने यही किया था। कौन टोमा? सेठ जी टोमा नहीं, टोमा नहीं, ट्रोमा, ट्रोमा सदमा। हालांकि उस दुकान का नाम ट्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, उसने हमको इतना ट्रोमा दिया है, इतना ट्रोमा दिया है कि हमने उसका नाम ट्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया है। कौन क्या किसकी बात कर रहे हैं नटू काका? अरे वो तोलानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। हाँ वो तोलानी साहब खाली सिंगापुर गए, उसमें तो उसके स्टाफ ने मेरा जीना हराम कर दिया। सही है, जब भी उसके वहां से गुजरता था दुकान के बाहर आकर मुझे सुनाते थे, सुना बागा भाई हमारे तोलानी सेठ सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर। आमती तोलानी ओ टाटा सिंगापुर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन वो तोलानी साहब सिंगापुर जा रहे थे उस दिन तो 2000 फटाकों की लड़ी जलाई थी। 5 मिनट तक पटाखों की लड़ी और हमारा दिल दोनों जलते रहे। डोंट वरी बागा बॉय, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तोला का जवाब हम किलों से देंगे। मतलब? उन्होंने 2000 की लड़ी फोड़ी थी ना, हम 5000 की लड़ी फोड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं है फालतू खर्चा करने की नटो काका। सेठ जी यू आर लेट। मतलब नटू काका 5000 की लड़ी आ गई? यस बागा, ये देख। वाह नटू काका वाह, 2000 की लड़ी से हम 5 मिनट जले थे, अब 5000 की लड़ी से वो लोग 12.5 मिनट जलेंगे, हमसे 2.5 गुना ज्यादा। वाह नटू काका वाह, ब्रावो ब्रावो। ए बावो, शांति शांति, क्या हो गया तुम दोनों को? ये देखा देखी करने का किससे सिखाया? सेठ जी मार्केट में सबको पता चलना चाहिए ने कि आप कितने होशियार हो, रामसन कंपनी वाले आपको अमेरिका भेज रहे हैं। तो? अरे तो अमेरिका ही भेज रहे हैं ना, चांद पे थोड़ी भेज रहे, लाखों लोग जाते हैं अमेरिका। लाखों लोग जाते होंगे, तोलानी सेठ तो नहीं गए ना? अरे तोलानी सेठ को मुको ने तड़के भाई, कल को तोलानी सेठ चांद पे जाएंगे तो आप लोग क्या मुझे सूरत पे भेजेंगे? अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जुम्मन अपना देखा तो पाया मुझसे बुरा न कोई। और मत भूलो हम जब किसी पे उंगली उठाते हैं ना तो ये बाकी की 3 उंगली हमारे ऊपर होती है। बापू जी ने मुझे बचपन में ही सिखाया था कि बेटा जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों की लकीर को छोटी करने की जगह अपनी लकीर उससे बड़ी करनी चाहिए। इसलिए दुनिया चाहे जो भी करे जो भी कहे, हमें हमारा ध्यान सिर्फ हमारे ध्येय पे रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। ए, दुनिया में जितने भी सफल इंसान लोग हैं, उनको क्या सफलता ऐसे देखा देखी करने से मिली है? नहीं, समझे? समझ गए सेठ जी, आपकी बात एकदम सही है।
हमें हमारा फोकस हमारे धंधे पे ही रखना चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। चलो अभी छोड़ो ये सब, अभी काम की बात करें। अरे सेठ जी काम की चिंता छोड़िए, आप तो बस अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कीजिए। नहीं नट्टू काका? यस यस, यू आर रनिंग वेरी मच शॉर्ट ऑफ टाइम। हैं? नट्टू काका कह रहे हैं आपके पास वक्त बहुत कम है। मतलब अमेरिका जाने की तैयारी करने के लिए? हाँ। अभी उसमें तैयारी क्या करनी नट्टू काका, 8-10 जोड़ी कपड़ा बैग में डाला की तैयार। तो रहना खाना तो रामसंग कंपनी वालों के ऊपर ही है। मेन तैयारी तो मुझे दुकान के काम की करनी है। अरे दुकान के काम की क्या तैयारी करनी है सेठ जी, वो तो राबेता मुजब जैसे चल रही है वैसे मैं और नट्टू काका चलाएंगे। और अगर किसी मैटर में आपकी जरूरत पड़ी तो फोन तो है ही, फोन करके मैटर सुलझा देंगे। अरे लेकिन फोन करना पड़े ऐसा करना ही क्यों है भाई? और वैसे भी जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और अमेरिका में दिन होता है तभी यहाँ रात होती है। तो आप लोग मुझे फोन करोगे कब? शाम को। अरे पर यहाँ शाम होगी तब अमेरिका में प्रातः काल होगा। तो सेठ जी हम आपको प्रातः काल में फोन करेंगे, तब तो वहाँ शाम होगी ना? बिल्कुल। अरे पर आप लोग मुझे फोन करो तभी मैं वहाँ फ्री होना चाहिए ना भाई, वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही हो या मैं एक्सपोन में बिजी हूँ तो कैसे बात कर सकता हूँ? सेठ जी हम एक काम करेंगे, हम यहाँ प्रातः काल में आपको मिस कॉल देके फोन रख देंगे, फिर आप जब फ्री हो जाएंगे तब आप हमें फोन करना, हम बात कर लेंगे, है ना? अरे पर फोन में बात करनी क्यों है, जब मैं यहाँ हाजरा हजूर खड़ा हूँ तो जाने से पहले सारा काम निपटा लेते हैं ना भाई। बागा, आई थिंक सेठ जी इज राइट। तो ओके नट्टू काका, सेठ जी बताइए क्या क्या काम निपटाने हैं? सबसे पहले तो किन किन का पेमेंट आना बाकी है और किन किन को पेमेंट देना है उसका एक लिस्ट बनाते हैं। ओके ओके सेठ जी। और उसके बाद स्टॉक चेक करते हैं और लिस्ट बनाते हैं कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर देना है, और वो लिस्ट के हिसाब से जो जो प्रोडक्ट का ऑर्डर देना है वो कंपनी के सेल्स वाले को बुला के हाथों हाथ उसको ऑर्डर दे देते हैं। परफेक्ट सेठ जी, लेट्स स्टार्ट। चलो हाश, सारे काम निपट गए। हाँ सेठ जी, एवरीथिंग डन। हाँ सेठ जी, अभी आप निश्चिंत होके अमेरिका जा सकते हैं। सेठ जी, आप तो अमेरिका चले जाएंगे लेकिन लेकिन वी विल मिस यू सेठ जी। ओ नट्टू काका, मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, चंद दिनों की तो बात है, अभी वापस आ जाऊंगा। फिर भी सेठ जी आपकी याद तो आएगी ना? हाँ याद तो मुझे भी आप लोगों की बहुत आएगी। क्या हो रहा है गैस? आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? एग्जैक्ट टाइम तो टिकट में देखना पड़ेगा लेकिन कल रात की है। ओ, अच्छा अच्छा, पैकिंग हो गया? अरे नहीं नट्टू काका, अभी कहाँ, अभी घर जाके करूंगा।
पैकिंग नहीं किया तो नए कपड़ों की शॉपिंग भी नहीं की होगी। नहीं हाँ नहीं भाई, वो दुकान के काम में जीतू भाई को फोन करना था, वो भी भूल गया। सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे पता था काम के चक्कर में आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने 3 दिन पहले ही जीतू भाई को फोन करके आपके नए कपड़ों का ऑर्डर दे दिया था। और वैसे भी आपका नाप तो है ही उनके पास। और आज दोपहर को ही जीतू भाई का फोन आया था कि आपके कपड़े रेडी है। वो पूछ रहे थे कि सारे कपड़े दुकान में भेज दो। मैंने कहा नहीं नहीं, सीधा सेठ जी के घर पे भेजिए। आप जब घर पे जाएंगे तो आपके नए कपड़े लटक लटक कर आपका स्वागत कर रहे होंगे। वाह वाह बागा वाह, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सेठ जी। चलो मैं निकलो। एक मिनट सेठ जी, ये लीजिए गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स के विजिटिंग कार्ड। हाँ सेठ जी, आपको वहाँ काम आएंगे। अरे वाह, अच्छा अच्छा सोचा नट्टू कक्का। चलो मैं निकलो। एक मिनट सेठ जी, अब क्या बाकी है भाई? एक मिनट, ये भी आपको बहुत काम आएंगे। कौन कौन है इसमें? कोरे नाश्ते मतलब सूखा नाश्ता। सूखा नाश्ता? ये देखिए, ये देखिए सेठ जी, पापड़ा, कचोरी, अरे ये मिक्सचर, फिर इसमें फरसी पूड़ी है, फिर अपना भाखरवड़ी है, फिर ये चिवड़ा है। मस्त नाश्ता है सेठ जी। वाह 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 बाका, ये लोग तो मुझे बहुत काम आएंगे। ये बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अकल का काम किया बाका तूने। वाह वाह वाह, चलो चलो। तो बस तो अभी मैं निकलूं कि और कुछ बाकी है? नहीं नहीं सेठ जी, अब आप शांति से घर पे जाइए और अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कीजिए। वाह जीतू भाई भी कलाकार है बाबूजी, एक से एक अफलातून डिजाइन के शर्ट बनाते। चल अभी फटाफट पैकिंग शुरू कर दे। बाबूजी पैकिंग मैं कल कर लूंगा। अरे कल तो तुझे जाना है जेठिया, तू हर काम आखिरी समय पे क्यों करता है? अभी कल तू पैकिंग करने बैठेगा, कुछ भूल गया कुछ रह गया तो फिर कल क्या तू पायलट को बोलेगा कि जरा 2 मिनट गोकुल नाम ले लो ना, मेरा कुछ रह गया है वो मैं ले लेता हूँ, फिर नॉन स्टॉप चलते हैं अमेरिका। पप्पू जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल ऐसा पैकिंग करूंगा कि ना कुछ भूलूंगा ना ही कुछ रह जाएगा। ऐसा पैकिंग करूंगा, कल दुकान नहीं जाना? नहीं नहीं बापू जी, सारा काम आज निपटा दिया मैंने। कल पूरा दिन आपके साथ बापू जी, सुबह नाश्ता करेंगे साथ में, दोपहर को खाना खाएंगे साथ में। फिर तो रोज मुझे अकेले ही खाना है। बापू जी मैं नहीं जाता हूँ। कहाँ नहीं जाता हूँ? अमेरिका। क्यों? मुझे आपकी चिंता हो रही है बापूजी, आप अकेले हो जाएंगे। अरे तू मेरी चिंता मत कर, तू जा भाई। नहीं नहीं बापूजी, अरे आपके लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिप कुर्बान। अरे भाई मैंने तुझे बोला ना बेटा, मेरा ध्यान रखने के लिए पूरा गोकुलधाम परिवार है, मेरे यंग बॉय ग्रुप के दोस्त हैं। अरे भाई मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तू मेरी बिना चिंता किए शांति से जा। पक्का? हाँ हाँ भाई पक्का। तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? कल से तो मुझे अकेले ही खाना है। अरे वो तो मैं तुझे ऐसे ही छेड़ रहा था। बापू जी ऐसे छेड़िए मत, मुझे तकलीफ होती है। चल 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 अभी शांति से सो जा, और हाँ कल सुबह जल्दी उठ जाना। क्यों क्यों क्या जेठिया, अरे पैकिंग नहीं करनी है। सॉरी सॉरी, हाँ 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 बापू, हाँ चल शुभ रात्रि। ओके बापू जी शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अहो अहो, क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में। अभी फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़िए और प्रेजेंट के बारे में सोचिए। जेठा भाई जा रहे हैं अमेरिका, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिलने जाना चाहिए उनको और पूछना चाहिए कि तैयारी हो गई, आपको कुछ मदद वगैरह चाहिए ऐसा। हाँ बिल्कुल, उससे तो मिलना ही है मुझे,
एक तो जरूरी बातें करनी। मैंने ना उनके लिए एक सरप्राइज सोचा है। अरे वाह, क्या मुझे बताओ। नहीं, सरप्राइज आपके लिए भी है। ओ का? वाह। चलो मैं भी ये काम निपटा के पहले सोसाइटी ऑफिस जाऊंगा, वहाँ पे एक दुकान निपटाऊंगा, फिर सुविचार लिखूंगा, उसके बाद जेठा को मिलने जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप आगे जाइए, वैसे भी मेरी सरप्राइज की तैयारी बाकी है तो मैं बाद में आती हूँ। हाँ ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो उड़ गया होगा अभी। तो रिस्का है, उठ ही गए होंगे ना, उनको जाना है आज, तैयारी भी शुरू कर दी होगी उन्होंने। हाँ हाँ रमणी, कल मिलता हूँ, अभी रखता हूँ फोन। ये जेठिया ने पैकिंग कर ली होगी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि अभी तक सो ही रहा है। ए भगवान, ये जेठिया, जेठिया, ए जेठिया, बापूजी, अरे जेठिया तू जाग गया? कब का? वाह वाह, पैकिंग हो गई, निम्बस अभी चाय पी के करता हूँ। अरे जेठिया चाय बाद में पी लेना, तो पहले पैकिंग शुरू कर। बाबूजी एक बार ये चाय पी ले तो क्या एकदम स्फूर्ति आ जाएगी, फिर फटाफट हो जाएगी पैकिंग। हा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जल्दी चलिए। वाह जेठिया, चाय मस्त बनी है। थैंक यू बाबूजी। क्या बहू और टप्पू से बात हुई कि नहीं? मैंने फोन किया था, दोनों सुन के बहुत खुश हुए बाबूजी। अरे खुश तो होंगे ही ना, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तू पहला व्यक्ति है जो अमेरिका जा रहा है। अरे चल जेठिया चाय फटाफट पी, भूख क्या मार रहा है कब से? गरम है बापूजी। अरे तो गरम है तो रखा भी में निकल के पी ना। चल 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 जेठिया, मैं फटाफट स्टूल लेके आता हूँ, तू कबाड़ के ऊपर से बैठ निकल। बाबूजी आप शांति रखिए, मैं सब करता हूँ। अरे क्या शांति रख जेठिया, अरे शाम को तेरी फ्लाइट है, अभी तक तेरी पैकिंग नहीं हुई है। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ला इधर दे। अरे इधर से, इधर से जेठिया, अरे यहाँ। और कुछ नहीं, एक साथ आ जाए। सॉरी लाइए, मैं एक एक करके उतारता हूँ, थैला दे दीजिए, वापस रख के उतारता हूँ। टाइम पास नहीं सकली, चलना अभी लाना, चल जल्दी पैकिंग करना है, उतर नीचे। नहीं ये थैला वापस रख देता हूँ, मुझे नहीं ले जाना है, दे दीजिए ना। सॉरी चल आ जा नीचे संभाल के। ठीक मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी जिंदगी नहीं एक झूला है, कभी इधर जाए कभी उधर जाए। और हम लोगों की जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, हम जाना कहीं और चाहते हैं लेकिन पहुंच कहीं और जाते हैं, चले कहीं और जाते हैं, हम स्वयं अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन इसी का नाम जिंदगी है, बिना रुके बिना थके चलते जाइए, तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। बहरहाल अभी तो गोकुलधाम में सुबह हुई है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, और पूरा दिन बाकी है मतलब बहुत सारे हंगामे बाकी है। क्या हंगामे होते हैं, क्या धमाल होता है, जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.